वेलकम बैक डियर एस्पेरेंट्स, जॉब ऑफ ऑप्शन बाय ऑनलाइन क्लासेस एंड हियर वी आर डिस्कसिंग पॉलिटी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी मौलिक अधिकार के बारे में, उसके विभिन्न जो आयाम हमने उस पर डिस्कस किया था, विशेषताएँ क्या होती हैं, महत्व क्या है और किस प्रकार से संरक्षण प्राप्त है मौलिक अधिकारों को हमारे संविधान में, तो हमने चर्चा कर ली। अब हम बात करेंगे कि राज्य की परिभाषा क्या है जो मौलिक अधिकारों को लागू करते हैं, उसको ध्यान रखते हैं, उन कौन से ऐसे मतलब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत हम देखेंगे कि वो कौन कौन से जो हैं संस्थाएं हैं या फिर मतलब जो सरकारें हैं जो इन चीज़ों का जो है संरक्षण प्रदान करती हैं, इन चीज़ों को ध्यान रखती हैं। तो हम बात करेंगे तो आर्टिकल 12 के अंतर्गत जो है इस प्रकार के राज्यों की जो है राज्यों के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे मतलब संस्थान या फिर राज्य होंगे। ठीक है, तो राज्य की परिभाषा यहाँ पे दी गई है, तो जो कि आप हम लगातार मौलिक अधिकार हमने पढ़ा है शुरुआत में ही, इसके पहले वाले वीडियो हमने पढ़ा है कि बार बार राज्य राज्य शब्द यहाँ पे आ रहा था। ठीक है, तो राज्य शब्द का मतलब क्या है यहाँ पे, तो यही बात यहाँ पे दी गई है कि राज्य ये करने से मना नहीं करेगा, राज्य विभेद नहीं करेगा, राज्य भेदभाव नहीं करेगा। तो वो राज्य का मतलब यहाँ पे क्या है, वो राज्य का मतलब आज हम आर्टिकल 12 के अंतर्गत देखेंगे कि वो राज्य जिसके बारे में कह रहा था कि क्या करेगा, ये विभेद नहीं करेगा किसी भी बात में, भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है, बराबर समान अवसर प्रदान करेगा, तो वो राज्य क्या है। वो राज्य है केंद्र की बात करें तो केंद्र की संसद और सरकार, प्रांत की बात करें तो प्रांत विधानमंडल और सरकार, स्थानीय संस्थाओं की बात करें तो नगर पालिका, जिला बोर्ड इत्यादि, ये भी क्या है, उसी के भाग हैं। सरकार की शक्ति का प्रयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति या संस्था, यथा कोई सरकारी कंपनी, मतलब कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी ऐसी संस्था जो सरकार की शक्ति का प्रयोग करता है, वो भी क्या होगा, तो राज्य के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, मतलब उस तरह से ये देखा जाए तो ये लोग जो है भेदभाव इत्यादि नहीं कर सकते हैं, समान अवसर जो है प्रदान करेंगे मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। तो बस कुछ इसमें ऐसी बात नहीं, बस ये बताया गया है कि कौन कौन से मतलब राज्य की परिभाषा क्या होगी जो मौलिक अधिकारों का संरक्षक हैं और जो है मौलिक अधिकारों के रूप में जो है व्यक्तियों को जो नागरिकों को अधिकार प्रदान किए गए हैं उसका संरक्षण करेंगे और भेदभाव इत्यादि नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। जो सरकारी कंपनी की बात है तो ये 2002 में मैसूर पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम मैसूर पेपर मिल्स ऑफिसर्स एसोसिएशन में एक केस हुआ था, जिसमें 2002 में जो है सरकारी कंपनी को भी इंक्लूड कर लिया गया था कि नहीं, जो सरकारी कंपनी इत्यादि हैं इसमें भी ये मतलब ये भी राज्य के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्य के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं जो कि क्या करती हैं, मौलिक अधिकारों में आपका ध्यान रखती हैं, मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार जो मौलिक अधिकार में जो आपको अधिकार प्रदान किए गए उसमें किसी प्रकार का भेदभाव आपके साथ नहीं कर सकती, बल्कि समान यहाँ पे उसी के अनुसार जो है अनुसरण करती हैं। ठीक है, तो ये व्यवहार उसी अनुसार करती हैं, तो बस वही राज्य की बात यहाँ पे कही गई है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आप ना समझ सकें। तो आर्टिकल 12 आप ध्यान रखेंगे कि जो हम लगातार राज्य की बात कर रहे हैं वो राज्य कौन है, यही सब लोग हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब संस्थाओं इत्यादि में अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो कहेंगे, वो संविधान क्या करता है, उसका निषेध करता है कि नहीं आपको ये काम नहीं करना है। तो यही लोग हैं जिनको संविधान जो मना करता है या फिर कहता है कि आप समानता का व्यवहार करें या फिर कोई भेदभाव ना करें। तो बस इतनी ही बात है इसमें। बात करें अगर आर्टिकल 13 की बात करें तो देखिए इसमें संशोधन जो मौलिक अधिकारों से संबंधित जो संशोधन है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है कि किस प्रकार से संशोधन जो है मौलिक अधिकारों में किए जा सकते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। देखिए, मूल अधिकारों में असंगत या उनका अल्पीकरण करने की वाली विधियाँ, मतलब कि आर्टिकल 13 जो है ये मूल अधिकारों को या तो कह सकता है कि भाई ये मूल अधिकार क्या असंगत है, मतलब या व्यवहारिक उतना नहीं रह गया, और या फिर उसमें अल्पीकरण मतलब संशोधन इत्यादि। देखिए सीधे से समझें आप कि सीधे सीधे ये समझें कि मूल अधिकारों में संशोधन की जो बात की गई है वो आर्टिकल 13 में की गई है। ठीक है, अब अगर हम बात करें देखिए क्या बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट क्या लिखा है संविधान में, तो वही बात मैं यहाँ पे लिखा है मैंने आपको आपके लिए कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त, मतलब कि भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को क्या करती है, छीनती हो या न्यून करती है। आर्टिकल 13 में ये बात कही गई कि राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा जिसके द्वारा भाग 3 में प्रदत्त जो अधिकार हैं उनको छीना जाए या फिर न्यून किया जाए। ठीक है, तो संशोधन की यहाँ पे जो बात है तो आप ध्यान रखेंगे मौलिक अधिकारों से संबंधित जो संशोधन है वो आर्टिकल 13 में है। बस इतना ही पूछा जाएगा आपसे, और कुछ नहीं पूछा जाएगा कि मतलब ये नहीं पूछा जाएगा कि किस प्रकार से संशोधन, कैसे संशोधन, अल्पीकरण करेंगे कैसे नहीं करेंगे, ये नहीं पूछा जाएगा। बस इतना ध्यान रखें कि एक आप ध्यान रखें कि आर्टिकल जो 13 है इसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित जो संशोधन है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, अगर पूछा जाता है तो। ठीक है, यहाँ पे हम केस का रेफरेंस लेते हैं कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। तो पहले ये व्यवस्था थी कि क्या व्यवस्था थी कि इसमें जो प्रदत्त अधिकारों को ना सरकार छीन सकती है, राज्य मतलब राज्य जो हमने राज्य की परिभाषा ऊपर देखी, राज्य मतलब कौन कौन, वो सारे जो हमने अभी ऊपर देखे वो सभी राज्य कहलाएंगे। तो राज्य ना ही कोई ऐसी मतलब इन अधिकारों को छीन सकती है, ना ही इन अधिकारों में कमी कर सकती है। तो ये बात जो है आर्टिकल 13 में दी गई थी। तो लेकिन फिर क्या हुआ कि एक केस आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। इसमें न्यायालय ने कहा कि स्पष्ट किया कि मूल अधिकार संविधान का आधारभूत ढांचा है, मतलब मैंने आपसे बताया था कि जो मूल ढांचा है, आधारभूत ढांचा या मूल ढांचा दोनों बातें की है, ये एक मतलब संविधान ये समय समय पर न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाता है कि संविधान का कौन सा जो है
मतलब कौन सा आर्टिकल या फिर कौन सा भाग जो है मूल अधिकार है, सॉरी मूल ढांचा है, क्योंकि अगर मूल ढांचा घोषित कर दिया जाएगा तो उसमें फिर जो है संशोधन इत्यादि या फिर उसके मतलब उसके अर्थ में, मूल अर्थ जो है उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में क्या न्यायालय ने कहा कि जो मूल अधिकार है वो संविधान का आधारभूत ढांचा है और इसलिए इसे संशोधन द्वारा कम किया जा सकता है परंतु इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। मतलब आप इसे चाहें तो कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप सोचें कि इसे समाप्त कर दें तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसे समाप्त कर सकते हैं कर देते हैं आप, तो जो मूल उद्देश्य रहा है संविधान का, जो कि एक मूल जो कि आधारभूत ढांचा घोषित किया गया मौलिक अधिकारों के रूप में, तो जो मौलिक अधिकार जो कि संविधान ने एक मूल उद्देश्य रखा था कि हम अपने नागरिकों को क्या करेंगे, कुछ अधिकार प्रदान करेंगे जिसे मौलिक अधिकार कहेंगे, और ये उद्देश्य था, एक मूल उद्देश्य था संविधान सभा का संविधान के द्वारा, ठीक है। और अगर आप इसी को खत्म कर देते हैं तो एक तरह से जो उनका मूल उद्देश्य था वो उद्देश्य ही क्या हो जाता है, यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से न्यायालय देखते हैं कि यहाँ पे मौलिक जो अधिकार है उसको आधारभूत ढांचा मतलब कि मूल ढांचा घोषित करता है, तो इस आधार पर देखते हैं कि आप इसमें कमी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसे आप समाप्त नहीं कर सकते हैं अगर ये मूल ढांचा घोषित हो गया है। तो आर्टिकल 13 में फिर ये नया डेवलपमेंट होता है। फिर ये बात का एक डेवलपमेंट और देख लेते हैं कि एम नागराज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2007 में एक केस आता है जिसमें उच्चतम न्यायालय कहता है कि मूल अधिकार राज्यों द्वारा अपने नागरिकों को उपहार नहीं है, ठीक है। मतलब कोई ये गिफ्ट नहीं है कि आप नागरिकों को दे दिए कि ये लीजिए हमारी तरफ से गिफ्ट, बल्कि ये उनका अधिकार है इसलिए उनका अधिकार है, ठीक है, कि उनको ये अधिकार मिलने चाहिए इसलिए उनका ये अधिकार है। आप कोई मतलब गिफ्ट प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट नहीं दे रहे हैं यहाँ पे कि ठीक है हम आपको गिफ्ट के तौर पर दे रहे हैं, ऐसा नहीं, बल्कि ये अधिकार उनका इसलिए है क्योंकि ये उनका अधिकार है। देखिए आप थोड़ा तकनीकी बातों को समझिएगा मेरे, कि अधिकार क्यों है मौलिक अधिकार, उनको मौलिक अधिकार क्यों प्रदान किए, क्योंकि उनको ये मौलिक अधिकार मतलब लेने का अधिकार है, कि उनके पास कुछ अधिकार ऐसे होने चाहिए इस देश के नागरिक होने के संदर्भ तौर पर, ठीक है। तो इस बारे में उनको ये अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो वही आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो आर्टिकल 13 में इसी चीज़ों की बात की गई है। अब आइए बात करते हैं हम समानता का अधिकार, जो कि हमारा मेन शुरू होता है यहीं से, उसके पहले वाला जो होता है तो वो भी ठीक है, मतलब आपने पार्ट 12 और 13 के बारे में थोड़ा सा जान लिया, जनरली क्वेश्चन उससे नहीं आते हैं, लेकिन मैंने एक ब्रीफ आइडिया आपको दे दिया। जो मेन आपका है वो मेन आपका आर्टिकल 14 से स्टार्ट होता है, कि आर्टिकल 14 से आप देखेंगे तो चीज़ें आपके लिए मतलब इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये हम समझेंगे। तो आर्टिकल 14 से जो है आएंगे तो यहाँ पे आर्टिकल 18 तक आपको जो समानता का अधिकार है उसके बारे में बात की जाती है। तो आइए बात करते हैं। तो आर्टिकल 14 में सबसे पहला मतलब जो समानता के अधिकार के अंतर्गत जो सबसे पहला अधिकार है आर्टिकल है वो है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है, तो इसे ये कहता है विधि विधि के समक्ष समता, ठीक है। सबसे पहली बात ये कहता है विधि के समक्ष समता। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता तथा कानूनों का समान संरक्षण प्राप्त होगा। मतलब आर्टिकल 14 इस तरह से लिखा हुआ कि विधि के समक्ष समता। अब इसका मतलब क्या यहाँ पे है, तो भारत में प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता, मतलब जो कानून है, जो विभिन्न प्रकार के कानून है उसमें प्रत्येक व्यक्ति को क्या माना जाएगा, समान माना जाएगा, कि ठीक है एक कानून के समान, मतलब ये व्यक्ति जो है इसके इसके लिए भी कानून सेम है और ये व्यक्ति जो है इसके लिए भी कानून सेम है, तथा कानूनों का समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। मतलब हर विभिन्न प्रकार के जो कानून हैं उनको मतलब हर व्यक्ति को जो है प्रत्येक मतलब जो जितने भी कानून, जिस प्रकार के भी कानून हैं, विभिन्न कानून हैं, उनका जो है समान संरक्षण प्राप्त होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी के लिए कह दिया जाएगा कि आपको इस कानून के तहत संरक्षण प्राप्त है और किसी को कह दिया जाएगा कि नहीं आपको इस कानून के तहत संरक्षण प्राप्त नहीं, ऐसा नहीं। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता तथा कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। आइए हम इस शब्द को जो यहाँ पे लिखा है कि कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण, इसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि एक तकनीकी शब्द है जिसे समझना जरूरी है, आवश्यक है। तो बात करें अगर, तो सबसे पहले तो कानूनों के समक्ष समानता की बात करते हैं। यह एक निषेधात्मक अवधारणा है, इसका इसका मतलब अर्थ है कि विशेषाधिकार का न होना, ठीक है। यहाँ पे आप शब्द छूट गया, लिख लेंगे, इसका अर्थ है विशेषाधिकार का न होना, मतलब निषेधात्मक मतलब कि रोकने वाला, ठीक है। एक तरह से देखें तो निगेटिव बात यहाँ पे है कि यह निषेधात्मक मतलब रोकने वाला अधिकार अवधारणा है, कि विशेषाधिकार का न होना मतलब कि किसी के पास विशेष अधिकार, स्पेशल पावर्स नहीं होंगे कि ठीक है आप के लिए जो कानून समान नहीं होगा, आपके लिए कानून में हम अंतर कर सकते हैं, ऐसा नहीं। विशेषाधिकार का मतलब होता है कि जो सबल के पक्ष में विभेद करता हो, ठीक है, मतलब सबल के पक्ष की बात करता है, जो सबल है उसके पक्ष में बात करता है, जो दुर्बल है उसके पक्ष में बात नहीं करता है, बल्कि उसके लिए क्या करता है यहाँ पे मतलब देखा जाए तो सबल के पक्ष में ही मतलब सारी बातें कहता है और दुर्बल के विपक्ष में बातें करता है। तो इस प्रकार से देखते हैं जो सबल होता है उसके पास एक विशेषाधिकार हो जाता है कि चीज़ें जो है उसके फेवर में होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो लेकिन ये चीज़ें जो है नहीं होंगी हमारे संविधान के अनुसार, आर्टिकल 14 के अनुसार, कि कानून के समक्ष समानता होगी। मतलब इसका अर्थ ये होगा कि विशेषाधिकार का न होना, मतलब विशेषाधिकार नहीं होगा, किसी भी सबल के पक्ष में भी विभेद नहीं किया जाएगा, मतलब किसी भी सबल के पास जो है विशेषाधिकार नहीं होगा, ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया, ये लिया गया ब्रिटेन से।
आपात स्वरूप अगर बात करें तो विशेष छूट किसको दी गई है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, सांसद, विधायक, राजदूत, कूटनीतिक इत्यादि, इन लोगों को जो है छूट दी गई है कि ठीक है इन लोगों के केस में जो है विशेषाधिकार मतलब हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे देखते हैं कि इस कानून का कभी कभी यहाँ पे हम जब पढ़ेंगे राज्यपाल राष्ट्रपति इत्यादि पढ़ेंगे ना, तो उसमें मैं इन चीज़ों को डिस्कस करूँगा, वहाँ पे आप चीज़ों को समझ पाएंगे कि किस प्रकार से इनको जो है विशेष अधिकार दिए गए हैं, कानूनों से किस प्रकार से इनको संरक्षण प्रदान किए गए हैं, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे समझ पाएंगे। ठीक है, जब इनको पढ़ेंगे तब वहाँ पे चीज़ों को देखेंगे। और तो यहाँ पे फिर से मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ कि जो कानून के समक्ष समानता है, इसका मतलब ये है कि एक निषेधात्मक की अवधारणा है और इसका अर्थ है कि विशेषाधिकार का नाम मतलब किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार जो है किसी के पास भी नहीं होगा। मतलब कि सबल विशेषाधिकार का मतलब क्या होता है कि जो सबल के पक्ष में विभेद करता हो, कि जो सबल के पक्ष की बात करता है उसे कहते हैं विशेषाधिकार, कि भाई ये सबल हैं तो इनके लिए विशेष बात है कि ठीक है इनको कानून जो है इनके लिए कानून अलग से बन सकता है, इनके लिए कानून जो है समान नहीं रहेगा बाकी जो जैसा कि सबको सबके लिए है, ऐसा नहीं है बल्कि वो सभी कानून जो है सबके लिए क्या होंगे समान रूप से होंगे। तो इस एक निषेधात्मक अवधारणा है, इसका अर्थ है विशेषाधिकार का न होना। और ये कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया, लेकिन अपवाद स्वरूप आप ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, सांसद, विधायक, राजदूत, कूटनीतिक इत्यादि के लिए जो है कुछ यहाँ पे विशेषाधिकार होते हैं। वो जब हम इन लोगों पर जब हम चर्चा करेंगे तो हम वहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से इनके पास जो है विशेषाधिकार है। बात करें अगर दूसरे वाले टर्मोलॉजी की, जो कि एक तकनीकी बात मतलब शब्द है, एक वाक्य है, कानूनों का समान संरक्षण, कानूनों के समक्ष समानता, फिर कानूनों का समान संरक्षण। देखिए यह क्या एक सकारात्मक अवधारणा है, पहला वाला जो है एक निषेधात्मक है। देखिए डिफरेंस पूछ लिया जाता है इंटरव्यूज वगैरह में, डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि क्या डिफरेंस है कानूनों के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण, आप इसको समझाएं। तो पहला जो होगा, सबसे पहला पॉइंट होगा वो ये होगा कि जो कानून के समक्ष समानता है उस ये एक निषेधात्मक अवधारणा है, मतलब एक निगेटिव अवधारणा है जो कि मनाही करता है, रोकता है। और जो कानूनों का समान संरक्षण एक सकारात्मक अवधारणा है, ठीक है, जो कि समान परिस्थिति में समान व्यवहार करने की बात करता है। कानूनों का समान संरक्षण मतलब सभी लोगों के लिए क्या होगा समान होंगे कानूनों का जो है कानून प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या होगा यहाँ पे समान होगा, उसकी बात करता है कि कानूनों का समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो यह एक सकारात्मक अवधारणा है। इसका अर्थ है समान परिस्थिति में समान व्यवहार करना, अर्थात समान परिस्थिति में कानूनों को समान रूप से लागू करना। अगर परिस्थिति समान है तो वहाँ पे कानूनों को जो है समान रूप से लागू किया जाएगा। ठीक है, अब बात अगर करें तो एक बात यहाँ पे और हम कर लेते हैं। देखिए यह आनुपातिक समानता मतलब प्रोपोर्शनल इक्विटी की स्थापना करता है, और यह जो बात है यह यूएसए से लिया गया है। इसका अर्थ है कि सबल के पक्ष में विभेद नहीं कर सकता है लेकिन निर्बल के पक्ष में विभेद हो सकता है। आनुपातिक का मतलब यह है कि एक प्रोफेशनल मतलब देखेंगे अभी तो आनुपातिक तौर पे कि मान लीजिए अगर कोई सबल है तो उसके पक्ष में तो विभेद नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन निर्बल है तो उसके लिए कुछ आनुपातिक तौर पे कि हाँ इनके अनुपात में, एक सबल के अनुपात में दुर्बल या फिर जो निर्बल है उसके लिए जो क्या होता है यहाँ पे कानूनों में अंतर हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आनुपातिक समानता की यहाँ बात की जाती है कि जो सबल है उसके कंपैरिजन में यहाँ पे कोई दुर्बल अगर है तो उसके लिए जो है यहाँ पे कानून में किसी प्रकार का जो बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे कि एक आनुपातिक समानता है, प्रोपोर्शनल इक्विटी है कि अगर कोई सबल है और कोई दुर्बल है तो दोनों में देखा जाए तो एक सबल के कंपैरिजन में एक अनुपात में जो है दुर्बल के लिए क्या होता है यहाँ पे कानूनों में ढील दी जा सकती है, कानूनों में थोड़ा सा चेंज कर दिया जा सकता है। ठीक है, तो पक्ष में मतलब दुर्बल के पक्ष में विभेद किया जा सकता है लेकिन सबल के पक्ष में विभेद नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ रखा है कि कानून के समक्ष जो है समानता होगी और विशेषाधिकार नहीं होंगे। मतलब कि जो सबल के पक्ष में विभेद करता है वो विशेषाधिकार यहाँ पे नहीं होंगे, लेकिन अगर कोई सबल है कोई दुर्बल है तो सबल के पक्ष में विभेद तो नहीं करेंगे, लेकिन अनुपातिक तौर पर अगर देखें तो सबल के अनुपात में देखें तो विभर जो दुर्बल है उसके लिए जो है इन कानूनों में जो है विभेद किया जा सकता है। ठीक है, ये कैसे है हम आगे देखेंगे अभी चीज़ों को। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी किस प्रकार से कानूनों के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण दोनों में अंतर मिलता है। आइए बात करते हैं आगे, एक फिगर के माध्यम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई है जो जनरल कैंडिडेट है, ठीक है, और ये कोई है जो SC ST कैंडिडेट है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि ए और बी कोई जनरल कैंडिडेट है तो समान परिस्थिति समान है तो इनके साथ जो व्यवहार होगा वो समान व्यवहार किया जाएगा। मतलब व्यवहार इनका जो है अलग नहीं, बिल्कुल समान व्यवहार दोनों के साथ किया जाएगा, ए और बी के साथ समान परिस्थिति में समान व्यवहार। ठीक है, समान परिस्थिति और समान व्यवहार। फिर अगर देखें हम दूसरी स्थिति की बात करें तो मान लीजिए कोई SC ST या कोई और अदर कैंडिडेट है तो इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए समान परिस्थिति है दोनों के लिए तो दोनों के लिए भी समान व्यवहार होगा, A1 B1 इन दोनों के लिए भी समान व्यवहार होगा, समान परिस्थिति समान व्यवहार। ठीक है, लेकिन अगर असमान परिस्थिति है, ठीक है, अब परिस्थिति मान लीजिए इनकी परिस्थिति कुछ और है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखें कि असमान व्यवहार होगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि जो है मतलब ये जो जनरल है उनके पक्ष मतलब
विभेद किया जाए, बल्कि यहाँ पे ये हो सकता है कि एससी एसटी के पक्ष में जो विभेद किया जा सकता है, लेकिन जनरल के पक्ष में जो विभेद यहाँ पे नहीं किया जा सकता है, क्योंकि परिस्थितियाँ क्या है, असमान है। जनरल की परिस्थिति कुछ और होगी और एससी एसटी की परिस्थिति कुछ और होगी, तो इस आधार पर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो व्यवहार किया जाएगा वो असमान व्यवहार हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ये डिप्राइव्ड सेक्शन है एससी एसटी, इसके पक्ष में जो विभेद किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे इस पक्ष में जो विभेद नहीं किया जाएगा, तो इसका आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो असमान स्थिति आएगी तो वहाँ पे असमान व्यवहार किया जा सकता है, इस प्रकार इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो इसी तरह माध्यम से हमने समझने का इसको प्रयास किया। तो आइए बात कर लेते हैं आर्टिकल 15 की। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। एक बार मैं फिर से ब्रीफ करता हूँ इसको कि देखिए, जनरल अगर कैंडिडेट है तो समान अगर परिस्थिति है तो समान व्यवहार होगा। ए बी अगर दो कैंडिडेट है तो समान व्यवहार दोनों के साथ होगा, लेकिन मान लीजिए अगर कोई एस सी एस टी है, इसमें भी अगर दो कैंडिडेट है तो उनके समान परिस्थिति में समान व्यवहार होगा, लेकिन अगर कोई एक जनरल कैंडिडेट है कोई एस सी कैंडिडेट है तो दोनों में असमान परिस्थितियाँ होंगी, तो जो व्यवहार होगा वहाँ पे एक असमान व्यवहार किया जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जो निर्बल है उसके पक्ष में क्या हो सकता है, विभेद हो सकता है, लेकिन सबल के पक्ष में विभेद नहीं होगा, ऐसा देखिए माना जाता है, ऐसा मतलब सिस्टम है। ठीक है, तो ऐसा हम यहाँ पे नहीं कहेंगे कि जो जनरल होते हैं वो बिल्कुल सबल ही होते हैं, और जो जो बाकी एस सी एस टी कैटेगरी होते हैं या फिर कोई और कैटेगरी होते हैं तो वो दुर्बल ही होते हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते, बल्कि चीज़ें थोड़ा अलग हैं। तो वो बाद में हम आर्टिकल 16 में देखेंगे चीज़ों को, आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो अब बात करें अगर आर्टिकल 15 की बात करें, तो आर्टिकल 15 देखिए क्या कहता है, एकदम संविधान में किस प्रकार से लिखा हुआ है, एकदम ऐसे ही संविधान में लिखा हुआ है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्माधार के जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, मतलब आप किसी को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर क्या कर सकते, विभेद नहीं कर सकते हैं। राज्य जो है किसी से, राज्य कौन, जो मैंने आपसे आर्टिकल 12 में चर्चा की वही राज्य है। ठीक है, जो जितनी संस्थाएं मैंने बताई वो सारे राज्य ही कहलाएंगे। तो राज्य जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकता, ये आर्टिकल 15 कहता है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, निवास या फिर जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव सार्वजनिक स्तरों पर, ध्यान रखेंगे कि सार्वजनिक स्तरों पर जो है नहीं करेगा, लेकिन 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 एक बात आपके यहाँ ध्यान रखेंगे कि इसके कुछ अपवाद भी, अपवाद क्या है, जैसे महिलाएं, बच्चे, एसटी एसटी पिछड़ा वर्ग के पक्ष में विभेद यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर एग्जाम्पल देखें, बच्चे मान लीजिए कोई पार्क ऐसा बना दिए जो कह दिए केवल बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए कह दिया जाएगा तो वहाँ पे केवल बच्चे ही जाएंगे, बड़े नहीं जाएंगे, तो एक प्रकार से बच्चों के पक्ष में देखा जाए तो विभेद कर दिया गया। ठीक है, और मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहाँ पे केवल महिलाएं ही अलाउ हैं तो वहाँ पे केवल महिलाएं जाएंगी, तो यहाँ पे भी विभेद कर दिया गया। और बसों इत्यादि में सफ़र करते हैं, ठीक है, बहुत जगहों पे आप सफ़र करते हैं तो वहाँ पे महिलाएं सीटें होती हैं, बच्चों के लिए सीटें होती हैं, तो वहाँ पे भी आपसे विभेद किया जाता है। ठीक है, लेकिन विभेद क्यों किया जाता है, क्योंकि ये लोग मतलब एक तरह से माना जाता है ऐसा कि डिप्राइव्ड सेक्शन है, इनको ऊपर उठने के लिए थोड़ा सा हमें जो है मतलब फ्रीडम देनी चाहिए, थोड़ा से हम कानूनों को ढील दे सकते हैं इसमें। फिर आप देखेंगे विभिन्न कॉलेजों में, विभिन्न संस्थाओं में, ठीक है, विभिन्न नौकरी इत्यादि में भी क्या मिलते हैं इनको, मतलब इनके साथ विभेद किया जाता है, बल्कि इनके पक्ष में विभेद किया जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, फिर से हम ब्रीफ कर लेते हैं कि राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, निवास या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव मतलब सार्वजनिक स्तर पर नहीं करेगा, लेकिन इसके अपवाद जो है जैसे महिलाएं, बच्चे, एससी एसटी पिछड़ा वर्ग के पक्ष में किया जा सकता है। तो कोई पार्क मान लीजिए सार्वजनिक स्थल है तो वहाँ पे महिलाएं हैं, बसों इत्यादि में अगर सफ़र कर रही हैं, फिर कहीं पे भी किसी पार्क इत्यादि में हैं तो वहाँ पे भी इनके पक्ष में जो विभेद किया जा सकता है। कोई मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहाँ पे एससी एसटी ही केवल अलाउ है तो वहाँ पे भी ऐसी बात हो सकती है। ठीक, वहाँ पे कोई मतलब कोई दूसरा कैंडिडेट किसी दूसरे मतलब कैटेगरी का नहीं जा सकता है, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। आइए इसके संबंध में कुछ हम न्यायालय की बात कर लेते हैं कि न्यायालय ने क्या बात की है इसके संदर्भ में। तो 19(3) देखिए संशोधन किया गया, उसमें भी हम देखेंगे आगे क्या बातें हैं। तो इसमें क्या किया गया कि इसमें इसके द्वारा आर्टिकल 15 में आर्टिकल 15 क्लास 5 19(3) जो संशोधन आपका अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो किया गया 2005 में, इसके द्वारा आर्टिकल 15 में आर्टिकल 15 क्लास 5 जोड़ा गया। ठीक है, जिसके अनुसार शिक्षा संस्थान, निजी शिक्षा संस्थान सहित, मतलब निजी शिक्षा संस्थान भी और जो आपके सरकारी शिक्षा संस्थान हैं इन दोनों को ही इंक्लूड करके, में पिछड़े वर्गों एससी एसटी ओबीसी, पिछड़े वर्ग मतलब आप सीधे ओबीसी मत समझिएगा, ये तो अदर बैकवर्ड कास्ट है ना, अन्य पिछड़ा वर्ग, लेकिन यहाँ पे मतलब हम यहाँ पे पिछड़े वर्ग मतलब हम एससी एसटी ओबीसी की बात कर रहे हैं, महिलाओं की भी बात कर रहे हैं। तो इसके अनुसार आर्टिकल 19(3) अमेंडमेंट के अनुसार जो है 2005